उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में हो रही जोरदार बारिश ने उत्तर भारत को परेशानी में डाल दिया है। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बारिश के बाद हरियाणा के हथनी कुंड बैराज को खोल दिया गया, जिसके बाद यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। यमुना नदी में अधिक पानी आने से निचले क्षेत्रों में पानी घुसने लगा है, जिसके चलते दिल्ली से सटे फरीदाबाद के करीब 25 गांव में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नदी किनारे बसे गांव और कॉलोनियों को खाली करा दिया गया। फरीदाबाद में नदी किनारे बसे कई इलाकों में लोगों को अपना घर तक छोड़ना पड़ रहा है, यहाँ तक कि किसानों की फसलें तक बर्बाद हो चुकी हैं। इससे पहले सोमवार की शाम यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी, जो कि अभी भी जारी है। हथनी कुंड बैराज से रविवार को छोड़े गए पानी की वजह से दिल्ली में 4 दशक की सबसे बड़ी बाढ़ का खतरा बताया जा रहा है। इसे लेकर सभी संबंधित विभाग अलर्ट पर हैं। हथनी कुंड बैराज से अधिक मात्रा में पानी छोड़े जाने से बाढ़ का खतरा बढ़ गया है, जिसके चलते यमुना तटबंध में रह रहे लोगों के घरों को खाली कराया जा रहा है। बता दें कि सरकार ने कंट्रोल रूम व हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। किसी भी तरह की परेशानी होने पर या फंसे होने पर लोग वहां से मदद ले सकते हैं, लेकिन फरीदाबाद से लगती नोएडा की सीमा के करीब दलेलपुर गांव में 50 घर बाढ़ की चपेट में आए हुए हैं, तो वहीं कुछ लोग अभी भी घरों में फंसे हुए हैं। लोगों का कहना है कि उनको इतने अधिक पानी की उम्मीद नहीं थी, जिसके चलते उन्होंने अपने घरों से सामान तक नहीं निकाले। साथ ही लोगों ने कहा कि सरकार या प्रशासन की ओर से उन्हें किसी तरह की कोई मदद नहीं मिल पा रही है। एकदम पानी अचानक से आ गया और कैसे खाली करने पड़े मकान, क्या हुआ सब बताइए एक बार। ये जमुना आई गई अचानक में गिरी, तो कछु तो सामान वही रहेगा, कछु भर पाओ। एकदम जौलंग थे गिरी, जौलंग थे तो बगल थे जमुना गिरी, तो पूरे मकान आप डूब गए बेटा। अरे भाई बक्सा तो कछु आ, तो सामान तो आई नहीं पा, डूबेगा से। तो इससे पहले यहाँ जिला प्रशासन ने या किसी ने आपको सूचना दी थी कि यमुना का नदी का जो जलस्तर बढ़ने वाला है, मकानों को खाली कर लीजिए, कुछ ऐसी सूचना यहाँ पर आई थी? हाँ, ये तो बेटा कुछ पता नहीं, तो अचानक में गिरी सवेरा फतो फरो, अब 10 चीज़ें गृहस्थी पूरी थी, तो हमें भत भत में आधी तो रहेगा, आधी नहीं आ पाई। कुछ प्रशासन ने आपके लिए रहने खाने की व्यवस्था कुछ यहाँ पर की हुई है? कहाँ है आप, कैसे रुके हुए हैं यहाँ पर? अब हमें तो आए कल आए पाए बेटा, अब खराए थोड़ी बहुत है, कुछ कोई सुविधा नहीं मिल पा रही प्रशासन। ये गाँव ये दलीलपुर है जी, पहले से कोई इतला नहीं हुई, अचानक रात में पानी आया है। बिल्कुल कभी वैसे आता नहीं था, पिछली साल भी आया मगर कम आया था, इस साल तो अचानक आ गया तो घर तो डूब गया। कितने कितने फुट यहाँ पर पानी पहुँच चुका है? कम से कम नहीं तो 9-10 फुट पानी है। 9-10 फुट पानी है। हाँ जी। कोई प्रशासन की ओर से कोई सुविधा कुछ मिल पा रही है आपको, कुछ खाने पीने? कुछ नहीं अभी तक तो कुछ नहीं है ऐसी सुविधा है। कल जब पानी पैरात हो गया यहाँ, जब गाड़ी अलाउंस कर रही कि जमुना किनारे से हट जाना, इससे पहले कोई पता नहीं। कितने कोई मकान है यहाँ, कितने लोग हैं जो यहाँ रहते हैं? 500 किलोमीटर में आदमी बैठेगा नीचे जंगल में।